तो और मेरे भाई ख्याल चल कैसे हो सर। तो भाई आज वाले गेम पहले भाई बहुत ही कमाल का होने वाला है, मतलब होने वाला था ऐसे भी बोल सकता था, क्योंकि देखो भाई मेरे पास तीन तीन गेम पहले है जो कि मैं डाल सकता था, लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल भाई इधर मैं आ जाता हूँ भाई जॉर्जो सिटी, और इधर देखना भाई तीन बंदे भाई टीम अप कर रहा था, वो सामने भाई एक गाड़ी में चल रहा था, तीन बंदे एक ही गाड़ी में, भाई उन तीनों में से एक बंदे को मैं K90 का नो स्कोप मार देता और वो बंदा उधर ही भाई पेटी बन जाता है। लेकिन भाई इधर प्रॉब्लम क्या होता है कि बाकी जो दो बंदे होता है वो मेरे आजू बाजू गाड़ी घुमाना स्टार्ट कर देता है, और भाई इधर का सीन देखो अभी क्या होता है। तो भाई इधर पहला बंदा खत्म हुआ और भाई ये बंदा गाड़ी लेके इधर से निकल जाता है, लेकिन भाई मैं सोचा था कि भाई ये बंदा इधर से निकल जाएगा, लेकिन उतने में ही भाई गाड़ी सामने जाकर रुक जाता है। और भाई इधर बॉट आ जाता है, लेकिन भाई मैं बॉट को इग्नोर मार के सामने की तरफ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास गन नहीं था, और भाई मुझे पता था कि अगर ये लोग टीम अप कर रहा था तो भाई ये लोग जरूर रुकेगा, क्योंकि भाई ये लोग अगर टीम वाले को मार दूंगा तो भाई ये बंदा जरूर आएगा मुझे मारने के लिए। और भाई वही सोचा और वही हुआ, और ये बंदा भाई मेरे आजू बाजू गाड़ी घुमाना चालू कर देता है, और भाई ये बंदा क्या सोच रहा था पता नहीं, शायद इसकी टीममेट के पास गन होगा इस वजह से ये गाड़ी घुमा रहा है। अभी देखो इसके एक बंदे को मारता हूँ मैं, इस बंदे को भाई हेड पड़ता है और बंदा नीचे गिर जाता है, लेकिन भाई ये दूसरा वाला बंदा इधर से गाड़ी लेकर निकल जाता है, और मुझे लगा कि यह बंदा भी रुकेगा, लेकिन भाई यह बंदा इधर से नहीं रुकता। और भाई इधर इस बॉट को फिनिश करके मैं इस बॉट के डिब्बे से भाई गन उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो अगर ये बंदा रुकेगा तो भाई मुझे पक्का पता है, अगर टीम अप कर रहा था भाई पोजीशन मुझे बता के देगा इस बंदे को, और ये बंदा मुझे आराम से फेल सकता है, इस वजह से मैं जो इधर से जल्दी जल्दी गन उठा लेता हूँ, और गन उठा के मैं जो इस बंदे का लोकेशन का वेट कर रहा था कि बंदा कोई हरकत करेगा, लेकिन बंदा जो इधर से गाड़ी लेकर निकल जाता है, और मुझे यह समझ नहीं आया कि बंदा इधर टीम अप कर रहा था तो भाई ये गाड़ी क्यों घुमा रहा था मेरे आजू बाजू, भाई क्या सोच रहा था क्या चल रहा था इनके माइंड में मुझे नहीं पता। फिलहाल भाई इधर इन तीनों में से मैं दो बंदों को खा जाता हूँ और एक बंदा इधर से बच के निकल जाता है। फिलहाल भाई मैं जो आज की बात कहता हूँ, देखो भाई मेरे पास तीन तीन गेम प्ले था, उनमें से दो गेम प्ले चिकन वाला था और एक गेम प्ले के अंदर हैकर वाला था, और मैं जो है भाई वो हैकर वाला गेम प्ले में एडिट करने लग गया था, लेकिन भाई उसके जो है 10 मिनट के बाद इंटरनल साउंड जो गेम साउंड होता है वो गायब हो चुका था। अब मुझे पता नहीं भाई क्या हुआ, मतलब मेरे रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि भाई साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या ग्लिच हो गया पता नहीं, लेकिन भाई ये जो है भाई ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैंने एडिट करने जब बैठा था उस वक्त, क्योंकि मेरे पास सारे गेम प्ले के भाई इंटरनल साउंड गायब हो चुका था और मुझे गेम प्ले डालना था कैसे भी, तो मैं कैसे डालूं भाई मेरे पास गाय मतलब सारे गेम प्ले खत्म हो गया था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मैं कुछ भी सेटिंग करके एक भाई स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करता हूँ और भाई मेरा जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे भाई रिकॉर्ड करना चालू कर देता हूँ, लेकिन भाई इधर क्या होता है एक गलती हो जाता है। कैसा गलती, देखो भाई मेरा जो है मतलब मेरा डिवाइस 1080p में मस्त चलता है मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ, लेकिन भाई इधर मतलब 2340 पिक्चर क्वालिटी में ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था, और भाई कसम से कह रहा हूँ मेरा फ़ोन एकदम हीटर की तरह हीट हो चुका था, लगभग भाई फटने वाला जैसा हो गया था, और मैं जो है लास्ट में देखना कितना गंदा फाइट में हकता हूँ, मतलब भाई इतना गंदा मैं ज़िंदगी में नहीं आगा जितना भाई, मतलब भाई देखो मैं जो है टच कर रहा था गोली में उसके एक सेकेंड में जाके गोली रिलीज़ हो रहा था मेरे गन से, तो मतलब आप लोग खुद ही सोच लो वैसे ही 1080p में ही मेरा जो है भाई डिवाइस थोड़ा हक देता है, और अब सोचो भाई इतने ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी में भाई कैसे भाई डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। फिलहाल भाई लॉबी जो है थोड़ा नूप टाइप का आया था, इस वजह से भाई उतना स्ट्रेस नहीं हुआ मेरे डिवाइस को, नहीं तो भाई इधर ख़त्म था पहले ही, और भाई स्क्रीन रिकॉर्ड की वजह से भाई क्या ही बोलूँ, मतलब आज मेरा तीन तीन गेम प्ले था जो कि मैं डालने वाला था और भाई तीनों के तीनों गायब हो चुका था। अभी फिलहाल गेम प्ले की बात करता हूँ इस वाले गेम प्ले की, तो भाई सामने एक गाड़ी दिखता है और बंदा देखो ओपन में लेट जाता है आके, तो भाई इस बंदे को इधर मारता हूँ, और ये बंदा मैं सोच नहीं पाया कि भाई ये बंदा कहाँ आके कैसे लेट गया, मतलब एकदम ओपन में आके लेट गया और आजू बाजू कहीं भी नहीं देखा, इधर मेरा बागी नीचे ओपन में रुका हुआ है फिर भी नहीं देखा। लेकिन भाई इस बंदे को जब लूटने जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि भाई सामने ये बंदा ड्रॉप देख रहा था, ड्रॉप गिरा हुआ था, उधर कैम्प करके बैठा हुआ था और उधर एक गाड़ी आया था, शायद इस वजह से ये बंदा इधर कैम्प लगा के बैठा हुआ था, जैसे ही भाई ड्रॉप में बंदा आएगा वो मारने के लिए चला जाएगा। फिलहाल भाई आज वाले गेम पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और भाई चैनल में न्यू आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आते तो लाइक भी जरूर कर देना। इस गेम पहले को भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि भाई ये गेम पहले भी मस्त है, और भाई आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई
आप लोगों का रैंक कितना गया, कितने रैंक में पहुंचे। देखो मैं जो है डायमंड 3 में पहुंच गया, लगभग 2 टच करने ही वाला हूं, और भाई मस्त रैंक चल रहा है मेरा 150 के अंदर हूँ टोटल रैंक, और भाई सर्वाइवर रैंक टॉप 70 के अंदर हूँ। फिलहाल इधर मेरे पीछे एक बगी आ जाता है, मैं सीट का चेंज करके इसको मारने का ट्राई करता हूँ। उतने में बगी वाला जो है सामने वाले घर में जाकर रुक जाता है, और मैं जो है अपना बगी उठा के सीधा उधर से निकल जाता हूँ, और निकल के भाई सामने वाले घर में रुक जाता हूँ। और उतने में भाई एक गाड़ी आएगा, और उस बंदे के साथ भाई क्या ही इजी वाला फाइट था। आप लोग खुद ही देख के पता लगा लोगे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ कि इतने ज़्यादा चोक किया भाई। मतलब भाई देखना एम बैठ ही नहीं रहा था बंदे के ऊपर, इतने ज़्यादा हीट हो चुका था। मैं मतलब मेरे बैग में हाथ ही नहीं रख पा रहा था, मेरे फ़ोन के बैग में मतलब इतना ज़्यादा हीट हो चुका था, और इतना गंदा भाई लैग कर रहा था। आपको फिलहाल समझ नहीं आएगा क्योंकि ये जो है बहुत ही हाई क्वालिटी पिक्चर में रिकॉर्ड हुआ था, और भाई मैं जो इस मतलब जिस ऐप से मैं रिकॉर्ड करता हूँ उस ऐप में भी इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है भाई, 1080p में ही सपोर्ट करता है। फिलहाल भाई इधर किसी तरह मेरे डिवाइस ने संभाल लिया, नहीं तो भाई इधर मेरा डिवाइस आज तो ख़त्म होने ही वाला था अगर लॉबी में और भी ज़्यादा बंदे होते तो। फिलहाल भाई इधर जो हैकर आ रहे हैं आप लोगों को पता है, मेरे को भी पता है, और उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला था, वो वाला वीडियो मैं एडिट करने भी लग गया था, लेकिन भाई इधर क्या ही गलत सीन हो जाता है भाई, मतलब 3 के 3 गेम प्ले मेरा गायब हो जाता है, उनमें से 2 चिकन वाला गेम प्ले था। फिलहाल खैर जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है भाई, वो इग्नोर मार के मैं जो इधर आता हूँ, और इधर मेरे से जोन कट जाता है, और भाई सामने जो है भाई एक बंदा रहता है, मतलब 2 बंदे रहते हैं, और रिच के ऊपर एक बंदा रहता है। उतने भाई मेरे ऊपर जो है एक बंदा आ जाएगा गाड़ी लेके, और मैं जो है इधर से निकलने के बारे में सोच रहा था, और मेरे भाई बगी में फ्यूल बिल्कुल ही नहीं था। उतने भाई मुझे सामने से गन साउंड आता है, और सामने ड्रॉप भी होता है, और देखते जाओ अभी सीन क्या होता है इधर। फिलहाल भाई इधर मैं गैस कैन उठा के मैं स्मोक करके भाई मेरे बगी में फ्यूल करने के ट्राई कर रहा था, और जैसे मैं इधर गेट इन करता हूँ बैक वाले सीट में, तो इधर मेरा को सब कुछ दिख रहा था कि किधर किधर बंदा है और किधर किधर बंदे नहीं, मतलब सामने वाले साइड से सब कुछ दिखाई दे रहा था बहुत ही आराम से। और उतने में भाई बंदा जो इधर से फाइट ले रहा था, और मैं जैसे ही जाता हूँ सामने वाला बंदा पिट जाता है इधर, और भाई जो बंदा इसको मारता है वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता। लेकिन भाई इस बंदे को जब इस खिड़की से स्पॉट करने जाता हूँ, उतने में मेरे ऊपर एक गाड़ी आ जाता है, और भाई इस गाड़ी वाले के साथ फाइट मैं ईजी जीत सकता था, लेकिन भाई देखो इधर क्या सीन होता है मेरे साथ। तो भाई पहले तो इधर एम नहीं लगा, और भाई इधर भाई अगर मेरा कसम से भाई FPS ना गिरता ना, मैं कसम से भाई इधर 20 FPS पे खेल रहा था। आप लोग मानो या ना मानो इधर मेरा 20 FPS पे चल रहा था गेम, क्योंकि भाई पिक्चर क्वालिटी बहुत हाई है, फ्रेम रेट बहुत गिर रहा था मेरा, और भाई एम तो लगभग लग ही नहीं रहा था, और मैं जो है घर के बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि घर के बाहर जाने से और भी ज़्यादा लैग हो रहा था। तो भाई देखते जाओ इधर क्या सिचुएशन बनता है। इस बंदे के साथ लगभग बहुत देर तक फाइट होता है हमारा, और भाई एंड में जाके क्या होता है वो देखना। फिलहाल भाई ये बंदा टीपू स्टोरी में चढ़ जाता है, और उधर से मेरे ऊपर नेट वेट करना स्टार्ट कर देता है, और रिच के ऊपर जो बंदा होता है मैं उसको ज़्यादा स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि अगर दोनों साइड से बंदा आ गया तो मेरा इधर खेल ख़त्म हो जाएगा। उतने में भाई बंदा जो है नेट मौली करके मेरे तरफ आ जाता है, और मेरे घर में घुस जाता है, और भाई जैसे ये बंदा मेरे घर में घुसता है मैं जो इसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, इसलिए घर के बाहर जाता हूँ, लेकिन बंदा जो है भाई सामने वाले खिड़की से अंदर घुस जाता है और मेरे ऊपर नेट वेट करना स्टार्ट कर देता है। और भाई देखते जाओ इधर फाइट बहुत ही लंबा चलता है इस बंदे के साथ। तो भाई इस जगह को देख के आप लोगों को शायद पता चल ही गया कि कितना एम चोक हुआ मेरा इधर भाई, मतलब लिटरली ये बंदा खत्म था इधर, लेकिन मेरा जो है 2 से 3 गोली टच होता है। और भाई बंदा जो है अभी सामने आके TPP लेना स्टार्ट कर देता है, और मैं जो है अपना गोली रिलोड में बैठा नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि बंदा बाहर आएगा, लेकिन नहीं आ रहा तो बंदा वापस घर के अंदर चला जाता है। और भाई इधर दिक्कत की बात है कि भाई उस साइड से भी भाई गोली की आवाज़ आ रही है, और भाई मैं जो है बाहर की साइड हूँ, और भाई मुझे दोनों साइड से पड़ने का डर है, और भाई वही होता है मैं जो है इधर घुसने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई जोन भी इधर नहीं है।
और भाई इधर सच में बता रहा हूँ, मैं जो है गोली मतलब मेरा जो है फायर बटन में दबाता हूँ तो भाई एक सेकंड के बाद जाके गोली छोड़ता है, मतलब गन से निकलता है बाहर। तो मतलब आप लोग खुद ही गेस कर लो, आज वाले भाई बहुत ही मुश्किल से हुआ मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड। और भाई मैं देखा भी नहीं किसी तरह भाई गेम प्ले बनाया, क्योंकि भाई आज का गेम प्ले डालने मतलब डालना ही होता है, रेगुलर गेम प्ले डालूंगा तभी तो भाई मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो यही सोच के भाई मैं डैमेज देता हूँ, और इधर मेरे साइड से भाई घास फूस उठ जाता है, तो मुझे लगा कि बंदा डैमेज हुआ, लेकिन बंदा डैमेज नहीं हुआ। तो मैं जो इधर से थोड़ा बहुत चेक करता हूँ और भाई घुस जाता हूँ। और भाई इधर वापस एक चोक हुआ, और भाई इधर बंदा मुझे आराम से ले लेता है, मतलब भाई इधर मैं कुछ नहीं कर सकता था भाई इस बंदे को आराम से। मैं कितने बार मारने का मौका मिला लेकिन वापस मैं नहीं मार पाया। फिलहाल भाई इधर 12 का प्लस मिल चुका है और मेरा जो है डायमंड 3 हो चुका है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सी टीयर में पहुंच गए, और भाई गेम प्ले अच्छा लगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट करके भी बताना कैसा लगा गेम प्ले। फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस, बाय गाइस।